हनुमान जी की किस प्रकार से पूजा करें और अपने मनोरथ सिद्ध करें, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी का बहुत ही महत्व, शक्तिशाली भगवान के रूप में उनकी पूजा की जाती है और इसी शक्ति स्वरूप को पाने के लिए उनकी पूजा की जाती है। जो भी नेगेटिव इफेक्ट है आपकी कुंडली में, जन्म ग्रह बाधा दूर है, तो उसके लिए हनुमान जी की पूजा करने से संपूर्ण लाभ मिलता है। अतुल बल के धाम, कांति युक्त शरीर वाले, संपूर्ण गुणों के निधान, ज्ञानियों में अग्रणीय श्री रघुनाथ जी के परम भक्त हनुमान जी का जन्म वैसे तो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को होता है और उस दिन उनकी हनुमान जयंती ही मनाई जाती है। और इसी प्रकार से दिवाली पर भगवान राम के लंका पर विजय प्राप्ति पश्चात वापसी में उनकी अयोध्या वासियों ने दीप मालाओं से सजाकर पूरी अयोध्या नगरी को उनका स्वागत किया था और हनुमान जी का विशेष रूप से पूजन किया था, क्योंकि हनुमान जी का लंका विजय पर बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसलिए उनको हनुमान जी की पूजा करने से कोई भी रोग ऋण शत्रु भय नहीं सताता, हर बाधा दूर होती है, हर बाधा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी का पूजन करना सबको लाभदायी रहता है। हनुमान जी की पूजा से लौकिक और परलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का अधिपति देवता हनुमान जी को माना जाता है, जो कि एक मंगल ग्रह एक नंबर यानी मेष राशि और आठ नंबर वृश्चिक राशि वालों का स्वामी है। और हनुमान जी की विशेष रूप से पूजन करने से बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि अगर बार बार चोट लगती है, घर में बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, हर सदस्य कोई ना कोई सदस्य बीमार होता रहता है, शत्रु परेशान, धन का आगमन नहीं हो पाता है, धन आता है तो टिकता नहीं है, एक इंसान बार बार कर्ज के जाल में फंसता चला जा रहा है, एक छोटा सा कर्ज भी उसके लिए बहुत ही भारी पड़ जाता है, इसलिए इनको ऋण मोचक संकट मोचन हनुमान जी भी कहा जाता है। और इनकी स्तुति और पूजा अगर दिवाली पर खास तौर पे करें तो विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, क्योंकि इनको शिवजी जी के अवतार होने की वजह से इनका जो पूजा करने से महालक्ष्मी जी की, विष्णु जी की और राम जी की और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, तो इस दिवाली की अर्धरात्रि में लक्ष्मी पूजन के पश्चात हनुमान जी की पूजा करें, 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें, उस दिन से शुरू करके लगातार 49 दिन तक करें, तो कोई भी शत्रु बाधा, कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता, बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अगर नौकरी से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, कोई नई नौकरी नहीं लग रही है या छूट गई है, तो बजरंग बाण का पाठ इस दिन शुरू करके तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसमें तुलसी का पत्ता डाल के और मिश्री अपने साथ रख के मिश्री या गुड़ से बने हुए लड्डू का, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाए हनुमान जी को, तो बहुत लाभ होगा। और ये बजरंग बाण का पाठ जो है अपने 49 दिन तक करना है। इसी प्रकार से अगर घर में कोई विवाह संबंधित परेशानी आ रही है, वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, कहीं परेशानी आ रही है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं या आशीर्वाद नहीं मिल रहा, पितृदेव किसी प्रकार से नाराज है या कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है, तो सुंदरकांड का पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी होगा। इस अर्धरात्रि से शुरू करके इसको 49 दिन तक लगातार करेंगे सुंदरकांड के पाठ को, तो सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। ये दिवाली आपके लिए शुभ रहे। मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।